आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ की अफीम, 1 देसी कट्टे में लगे 1 कारतूस, नैनो कार, मोबाइल सहित 10,000 नगद राशि सहित 1 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस कप्तान रवि रंजन सिंह ने गुप्त सूचना पर एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के करियोडी उच्च विद्यालय के पास वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार से आ रही नैनो कार को रोका गया। रुकते ही उसमें बैठे 2 व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें 1 व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा, अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस के द्वारा पकड़े गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रदीप मंडल, सकुल्लापुर, मोथाबाड़ी, जिला मादला बताया और उसकी तलाशी ली गई। उसके पास से कमर में धसा हुआ 1 देसी कट्टा सहित कारतूस एवं 1 मोबाइल एवं नगद 10,270 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने नैनो कार की तलाशी ली तो सीट के नीचे प्लास्टिक के डब्बे में 27 केजी 120 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस कप्तान रवि रंजन सिंह ने अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन पर जानकारी दी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अफीम बरामद की है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 27 किलो का दाम लगभग 1 करोड़ होगा। तस्कर प्रदीप मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अफीम खूंटी से पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में कालियाचक ले जा रहा था। ये अफीम को प्रोसेसिंग करके ड्रग्स बनाकर आसपास के इलाके में बेचा जाता है। पुलिस ने इस ग्रोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पाकुड़ से जहांगीर अंसारी की रिपोर्ट। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अवैध चीज गाड़ी के माध्यम से लिट्टीपाड़ा हाईवे पर जाने की सूचना है। उस सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, पूरे जिले में ही चेकिंग लगाई गई थी। तो लिट्टीपाड़ा थाना प्रभारी के द्वारा पूरे अपने टीम के साथ बड़ा मुस्तैदी से जब गाड़ी चेक कर रहे थे, उसी दौरान नैनो गाड़ी पुलिस के चेकिंग को देख करके भागने का प्रयास करने लगा। दौड़ा करके गाड़ी को पीछा करते हुए रोका गया और गाड़ी में बैठा हुआ 1 व्यक्ति पकड़ा गया। उस व्यक्ति की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 1 पिस्टल बरामद हुआ है, 2 मैगजीन बरामद हुआ है। साथ ही जब पूरे गाड़ी की तलाशी ली गई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में, तो गाड़ी में काफी मात्रा में पैक्ड अफीम बरामद हुआ है, जिसकी तौल कराने पर उसका वजन 27 किलो 120 ग्राम पाया गया है। समझते हैं कि पहला बार फिनिश्ड अफीम का इतना बड़ा रिकवरी जिले में हुआ है। इसके अलावे इनके पास से 10,270 रुपया नगद बरामद हुई है। अभी तक के पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये कालियाचक जो मालदा डिस्ट्रिक्ट में है वहां के रहने वाले हैं और गाड़ी इन्हीं के नाम से है जिनको पकड़ा गया है। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम प्रदीप मंडल बताए हैं। प्राइस तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट बताएगा, लेकिन इनका वजन 27 किलो है तो हमको लगता है कि 1 करोड़ से कम इनकी अनुमानित मूल्य नहीं होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में।